हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम शेयर करेंगे अपराजिता प्लांट को कटिंग से कैसे ग्रो करें और इसी के बारे में और भी जानकारी आज आपसे शेयर करने वाले हैं। उससे पहले ये हमारे प्लांट की कुछ फ्लावरिंग है जो कि व्हाइट एंड ब्लू अपराजिता है। दो कलर में ये हमारे पास है। तो ये सिंगल अपराजिता है, एक इसमें डबल भी आती है जिसमें इसमें डबल पेटल्स होती हैं। अपराजिता के पौधे को कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है और सीड से यानी बीज से भी इसको उगाया जा सकता है बहुत ही आसानी से। केवल 5 से 7 दिन में इनका जो सीड होता है वो जर्मिनेट हो जाता है जब आप उसको ग्रो करते हैं। और एक बात, इनके जो लास्ट ईयर के प्लांट्स होते हैं अगर आप चाहें तो उनको सेव भी कर सकते हैं और फिर से इसमें फ्लावरिंग हो जाती है, जिस पर हमने कई बार आपसे वीडियो शेयर की है किस तरह से आपको लास्ट ईयर के प्लांट्स को ठीक करना है। तो हमारे इन प्लांट्स में फ्लावरिंग भी हो रही है, सीड्स भी बन रहे हैं और इसके बाद हमने इस प्लांट की प्रूनिंग भी की थी जो कि वीडियो आपसे शेयर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। उससे क्या होता है, अगर आप बेल की तरह पौधे को नहीं चलाना चाहते हैं, एक श्रब की तरह ग्रो करना चाहते हैं, तो वो एक झाड़ी नुमा पेड़ बन कर तैयार हो जाता है। हमारे पास ये जो पौधे हैं इसमें नीले अपराजिता जो है वो हमारी लगभग 2.5 से 3 साल पुरानी हो चुकी है और जो सफ़ेद अपराजिता है वो लास्ट ईयर का प्लांट है। फिर भी ये हमें बहुत सारे फ्लावर्स दे रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं कि लास्ट ईयर का प्लांट ज़्यादा फ्लावर्स देगा या बीज से उगाया हुआ पौधा, नया पौधा ज़्यादा फ्लावर्स देगा। तो जो नए पौधे होते हैं जिनको हम सीड से ग्रो करते हैं वो अच्छे फ्लावरिंग करते हैं। इस पर आगे आपको एक वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। अपराजिता की कटिंग ग्रो करने के लिए हमने इसमें 70% सॉइल ली है और उसमें 30% काउडंग यानी गोबर की खाद लिया है। जैसे कि आपने मिट्टी ली है उसमें 2-3 मुट्ठी खाद मिला लीजिए। इस तरह से आप मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। और वैसे तो आप कोई भी पॉट ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास ये प्लास्टिक पॉट था खाली, तो इसी में ही हम इसको ग्रो कर देते हैं। वैसे जो घर पर वेस्ट पॉलीबैग्स होते हैं, जैसे चाय पत्ती की पन्नियाँ होती हैं, पॉलीबैग्स जो होते हैं वेस्ट, उनमें भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। तो छोटी छोटी कटिंग्स बनाकर तैयार कर लेंगे। जब भी आप किसी प्लांट की कटिंग ग्रो करते हैं तो उनकी जो कटिंग्स तैयार करनी होती हैं वो ज़्यादा बड़ी कटिंग आप तैयार ना किया करें और ना ही ज़्यादा मोटी कटिंग आप लिया करें। बारीक से बारीक कटिंग ग्रो करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन बारीक कटिंग भी वो होनी चाहिए जो थोड़ी ब्राउन हो चुकी हो, यानी हरी टहनी नहीं ग्रो करनी चाहिए। उसमें आपको या तो वो गल जाती हैं जो हरी टहनी होती हैं, या फिर उसमें लेट रिजल्ट मिलेगा आपको। मोस्टली वो गल ही जाती हैं, इसीलिए इस तरह से जो थोड़ी पुरानी सी टहनियाँ होती हैं जो थोड़ी हार्डवुड हो जाती हैं, यानी सेमी हार्डवुड या हार्डवुड आप ले सकते हैं, जो थोड़ी पुरानी टहनियाँ होती हैं उसमें आपको जल्दी रिजल्ट मिलता है। और जब आप उसको ग्रो करते हैं तो वो पानी अगर ज़्यादा हो जाता है मिट्टी में तो वो जो कटिंग्स हैं जो सेमी हार्डवुड हैं या हार्डवुड हैं थोड़ी अच्छी पुरानी हो चुकी हैं वो जल्दी से गलती नहीं है और उसमें अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाता है। कटिंग्स को ग्रो करने के बाद कभी भी उसको डिस्टर्ब ना करें कि आप देखने के लिए बार बार कि पता नहीं ग्रो हुई होंगी या नहीं हुई होंगी, रूट्स आई होगी या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है 30 दिन के बाद भी कटिंग्स में ग्रोथ स्टार्ट होती है, जो कि वीडियो में हम आगे आपसे शेयर करने ही वाले हैं। तो इनको एक साथ ही हम लगा देते हैं। वैसे हमें इनसे प्लांट्स चाहिए नहीं, ये केवल आपको सिखाने के लिए ही हम ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें एक साथ हम काफ़ी सारी कटिंग्स लगा देते हैं। आप चाहें तो एक पॉट में 1 या 2 कटिंग ही रखें अगर आपको बाद में उनको ट्रांसप्लांट करने में प्रॉब्लम आती है तो, कि अगर वो चल जाएंगे पौधे फिर आपको दूसरे पॉट में शिफ्ट करना पड़ेगा उन्हें निकाल कर अलग, तो फिर परेशानी होगी। तो कोशिश कीजिए एक पॉट में 1 या 2 ही कटिंग्स ग्रो कीजिए। तो इस तरह से अच्छे से सॉयल हम जो मिक्सचर हमने बनाया हुआ है वो भर देते हैं और बहुत हल्की नमी बनाकर रखनी है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी देना है। काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं कि क्या इसको पॉलीबैग से कवर करना चाहिए। तो अगर रेनी सीजन है तो मौसम में इतना मॉइस्चर रहता ही है कि आपको पॉलीबैग से कवर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी हमारा रिजल्ट आप देख ही सकते हैं, कुछ इस तरह का पौधों में कटिंग में रिजल्ट हो चुका है। कुछ कटिंग्स ब्राउन हैं, कुछ कटिंग्स अभी भी ग्रीन हैं और कुछ लगता है बेकार तो नहीं हो गई हैं। तो इनको देखेंगे बाद में थोड़े दिन बाद कि ये किस तरह से ग्रोथ करती हैं, क्योंकि इनको डिस्टर्ब करना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आप स्पेशली कटिंग्स ग्रो कर रहे हैं किसी पॉट में या किसी पॉलीबैग में तो उसको बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना है, या तो सेमी शेड में जहां हल्की फुल्की धूप मिल जाती हो, या किसी पेड़ के नीचे, या फिर छायादार खुली जगह पर आप कटिंग्स रखें तो उसमें जल्दी ग्रोथ स्टार्ट होती है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट धूप में रख देंगे पॉट को तो उसमें नमी जो है जल्दी ख़त्म होती रहेगी तेज़ धूप की वजह से। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट हमें मिल चुका है। ज़्यादातर हर कटिंग में ग्रोथ हो चुकी है और लीव्स आ चुकी हैं, लेकिन आज आपकी एक छोटी सी गलतफहमी दूर करनी है। काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट्स आते हैं कि हमारी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रोथ कर गई थी, उसमें पत्तियाँ भी आ गई थी, बहुत अच्छे से कटिंग चल भी गई थी, फिर पता नहीं क्या हुआ कि कटिंग मर गई और सूख गई। तो ऐसा क्यों होता है, तो आज आपको वही दिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो ये दिखाते हैं कि जो कटिंग आपको सूखी हुई लग रही है वो सूखी हुई नहीं होती है। आप उसको बहुत ज़्यादा आपको
लगता है कि अब ये कटिंग शायद सूख गई है तो आप उसको निकाल कर फेंक देते हैं। लेकिन इस तरह से देखिए, जो कटिंग सूखी हुई लग रही थी और उसमें ग्रोथ नहीं थी, वो भी अभी हरी है, यानी कि अगर इसको लगा रहने देते तो इसमें जल्दी ही नए पत्ते भी आ जाते और रूट्स भी बनना शुरू हो जाता। तो जो पहले सूखी सूखी सी आपको दिखाई दे रही हैं टहनियाँ, इन्हीं को ही हम बाहर निकाल के आपको दिखाई देते हैं। तो ये अगर लगा रहने दें तो इसमें भी ग्रोथ स्टार्ट होगी। ये ना सोचें कि ये टहनी सूख गई है, उसको आप बार बार टच करके देखेंगे तो वो चलती भी होगी तो भी वो सूख जाएगी। तो इसीलिए कटिंग्स को लगभग 30 से 35 या 45 दिन तक तो बिल्कुल डिस्टर्ब करना ही नहीं चाहिए, हल्की नमी मिट्टी में रखनी चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं, अब एक एक करके हर कटिंग को बाहर निकाल कर हम दिखाएंगे कि इन सभी में रूट्स बनना स्टार्ट हो चुका है और छोटी छोटी वाइट वाइट रूट्स इसमें बनने लगी हैं। लेकिन आप देखेंगे कि पत्तियाँ इसमें बहुत अच्छे से बन गई हैं। तो हमारे व्यूअर्स की ये गलतफहमी होती है कि पत्तियाँ बन गई हैं इसका मतलब नीचे कटिंग में रूट्स भी बहुत अच्छी आ गई होंगी, तो ऐसा नहीं होता है। कटिंग्स में कभी कभी ऐसा होता है पत्तियाँ ही पहले आ जाती हैं, क्योंकि जब कटिंग को अपने जितना मॉइस्चर उसको चाहिए, जितनी नमी उसको चाहिए मिलती रहेगी तो कटिंग्स में पत्तियाँ पहले बन जाएंगी रूट से और रूट्स बाद में बनती हैं। तो इसीलिए वेट करना चाहिए और ये ना सोचे कि पत्तियाँ आ गई हैं अब हमारी कटिंग तैयार हो गई तो इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो हम ट्रांसप्लांट करने में, यानी कि उनको एक जगह से दूसरी जगह निकाल कर लगाने में बहुत जल्दी कर देते हैं, जिसकी वजह से बनी बनाई कटिंग भी हमारी बेकार हो जाती है। फिर जब आप उसको ट्रांसप्लांट करते हैं फिर आपके कमेंट्स आते हैं कि हमने उसको ट्रांसप्लांट किया, जो कटिंग हमने ग्रो की थी और वो सूख गई। तो ऐसा ही होगा अगर आप जल्दी ही कटिंग को बाहर निकाल लेंगे उनकी पत्तियों को देखकर। तो अभी आप हर कटिंग में देखेंगे कि इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा रूट्स नहीं बनी है, लेकिन पत्तियाँ देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे हमारा कटिंग बहुत अच्छे से ग्रोथ कर गई है। ये हर प्लांट में होता है, ये अपराजिता में ही नहीं होता है। गुलाब की कटिंग आप ग्रो करते हैं, स्टार्टिंग में आपको उसमें अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, नई नई पत्तियाँ आ जाती हैं, कोई शूट तो बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन वो फिर एक टाइम पे जाके सूख जाती है, क्योंकि या तो आप उस पर मॉइस्चर का ध्यान देना कम कर देते हैं, आप सोचते हैं कि शायद हमारी कटिंग चल गई है। लेकिन अगर आप उस गुलाब की कटिंग को बाहर निकाल कर देखेंगे जिसमें बहुत बड़ी पत्तियाँ बन चुकी हैं, तो उसमें रूट्स इतनी बड़ी नहीं बनी होती हैं जितनी ज़्यादा उसमें पत्तियाँ आ गई होती हैं। तो ये एक नॉर्मल सी बात है जो आज आपसे शेयर करनी थी। इस वीडियो के ज़रिए आप ज़रूर वो बात सीख पाएंगे। तो हमारी जो जो कटिंग जिसमें नई पत्तियाँ आ चुकी हैं उन सभी में आप देख सकते हैं कि वाइट वाइट रूट्स बनना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम इसको डिस्टर्ब ना करते तो ये अच्छे पौधे बन जाते, लेकिन आपको दिखाना और समझाना और सिखाना ज़रूरी था, इसीलिए हमें ये पौधे चाहिए नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने डिस्टर्ब कर दिया इनको, जिससे आप इसको देख कर सीख सकें। तो कटिंग जब भी ग्रो करें उसमें बहुत हल्की नमी बना कर रखें, सेमी शेड में या शेड में ही रखें, बहुत तेज़ धूप में ना रखें। और उसको आप ज़रूरी नहीं है कि पॉलीबैग से कवर ही करें, आप उसको ऐसे ही रखा रहने दे सकते हैं तभी उसमें ग्रोथ हो जाएगी। किसी भी पौधे की 6 से 9 इंच बड़ी कटिंग और बारीक कटिंग ग्रो करें तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो इनको अभी ऐसे ही लगा दिया है, अगर ये ग्रोथ कर गई तो हम आपसे आगे शेयर करेंगे, क्योंकि इनको डिस्टर्ब किया है। तो कोई क्वेरी हो तो पूछिए। थैंक यू।